वेलकम टू माई चैनल रहना स्वल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है एक साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक। आई होप आप सबको ये लुक पसंद आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते ये वाला लुक मैंने कैसे अचीव किया। उससे पहले, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पास के लिटिल बेल आइकन को प्रेस करके ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, मेकअप से पहले मैं अपने हेयर स्टाइल को कर लूँगी, क्योंकि मेकअप के बाद हेयर स्टाइल बनाना दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी हेयर स्टाइल को बना लेती हूँ, उसके बाद हम मेकअप करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने क्रिम्पिंग कर लिया है। अब मैं हेयर स्टाइल को बना लूँगी। मैंने हेयर स्टाइल जो वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर लेंगे अपना मेकअप। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर लूँगी टोनर, और टोनर के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी ईवन टच का ये रोज़ वाटर। इसको मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लूँगी। गाइज, मैंने इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लिया है। इसको मैं अपने हैंड की हेल्प से अपने पूरे फेस पुश कर लूँगी। मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये WOC का प्राइमर। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने टी जोन एरिया पर एंड अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। जब भी आप मेकअप करो प्राइमर ज़रूर यूज़ करो, इससे आपका मेकअप बेस जो वो फ्लॉलेस होती है। सो फ्रेंड्स, प्राइमर को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये जॉनसन्स बेबी का राइस एंड मिल्क क्रीम। इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, मॉइस्चराइजर को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये सुपर स्टे का 24 आवर फाउंडेशन। इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और नेक पर भी अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन का मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से डैप डैप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज, फाउंडेशन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यूज़ कर लूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रोमांटिक ब्यूटी का कंसीलर। इसको मैं अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई कर लूँगी।
और अपने आईज के लिड पर भी अप्लाई कर लूंगी। एंड इसको अप्लाई कर लूंगी अपने माउथ के कॉर्नर पर भी। एंड उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी पाउडर। तो मैं यहाँ लूज पाउडर यूज़ करूँगी सबसे पहले बेकिंग के लिए। पाउडर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का ये रोज़ पाउडर, और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने अंडर आइज पर बेकिंग के लिए। और उसके लिए मैं ये ऐसे एक स्पंज यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, जब तक बेकिंग हो रहा हो तब मैं अपने पूरे मेकअप बेस को सेट कर लूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मी का एलिगेंट टच प्रेस पाउडर। इससे मैं अपने पूरे मेकअप बेस को सेट कर लूँगी। सो गाइज, मैंने अपने पूरे मेकअप बेस को सेट कर लिया है। अब जो एक्सेस पाउडर है ना, उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी। मेकअप बेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कर लेंगे अपना आई मेकअप। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अप्लाई कर लूँगी ये ऑरेंज शेड को अपने आईज के क्रीज पर। इसको मैं ले लूँगी एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, एंड जो एक्सेस है उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी। एंड अप्लाई कर लूँगी अपने आईज के क्रीज पर, एंड अच्छे से अप्लाई करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज, इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी ये रेड वाला शेड को अपने आईज के आउटर कॉर्नर पर। इसको मैं अप्लाई करते हुए साथ ही साथ ब्लेंड कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी ये थोड़ा सा डार्कर शेड को, एंड इसे भी अप्लाई कर लूँगी अपने आईज के आउटर कॉर्नर पर, एंड थोड़ा थोड़ा प्लेस करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज, इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी ये गोल्डन शेड को, एंड इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से। इससे बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन मिलती है। एंड इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने आईज के इनर कॉर्नर पर। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, ताकि दोनों जो आई शेडो है ना, अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाए। सो गाइस, इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं अपने दूसरे आई पे भी अप्लाई कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं उसी शेड को अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड को, एंड अप्लाई करते हुए साथ ही साथ ब्लेंड करती जाऊँगी। एंड उसी गोल्डन शेड को अप्लाई कर लूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से।
एंड अब मैं उसी फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो गाइस आई शेडो को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अब मैं इसको अप्लाई कर लूंगी अपने आईज के वाटर लाइन पर, अच्छे से स्मज कर लूंगी। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से स्मज कर लिया है, अब मैं दूसरे आई पे भी अप्लाई कर लूंगी। तो मैं उसी फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश का हेल्प ले रही हूँ, उसको मैंने थोड़ा सा पिंच कर लिया है, इससे मैं अप्लाई कर लूंगी। सो गाइस इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब मैं अप्लाई कर लूंगी आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ लैक्मी का आईलाइनर। सो गाइस मैंने आईलाइनर को अप्लाई कर लिया है, अब मैं दूसरे आई पे भी अप्लाई कर लूंगी। गाइस मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है, नेक्स्ट मैं यूज कर लूंगी मस्कारा, और मस्कारा के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये वाइल्ड एंजल का मस्कारा। गाइस मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है, नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूंगी व्हाइट काजल, और व्हाइट काजल के लिए मैं यहाँ यूज करी हूँ ये रिमेल लंडल का व्हाइट काजल। इसको मैं अप्लाई कर लूंगी अपने वाटर लाइन पर। सो गाइस व्हाइट काजल को मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी। तो आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज करूंगी म्यूजिक फ्लावर का ब्राउ पोमेड। सो गाइस मैंने आईब्रोज को फिल कर लिया है, नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी ब्लश। ब्लश के लिए मैं उसी पैलेट में से ये पिंक शेड को यूज़ कर लूँगी एज ए ब्लश, एंड इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी एप्पल्स ऑफ द चिक्स पे। सो गाइस ब्लश को मैंने अप्लाई कर लिया है, नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी ब्रॉन्जिंग। तो मैं उसी पैलेट में से ये ब्राउन शेड को अप्लाई कर लूंगी। सो गाइस मैंने अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर लिया है, नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूंगी हाइलाइटर, और हाइलाइटर के लिए उसी पैलेट में से मैं व्हाइट शिमरी शेड को अप्लाई कर लूंगी एज अ हाइलाइटर, एंड इसे मैं अप्लाई कर लूंगी अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर। और अप्लाई कर लूँगी अपनी ब्रिज ऑफ द नोज पर, क्यूपिड बो पर, चिन पर, एंड अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी, एंड थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी अपने आईज के इनर कॉर्नर पर। और अपनी ब्राउ बन पर भी अप्लाई कर लूँगी। सो फ्रेंड्स हाइलाइटर को मैंने अप्लाई कर लिया है, नेक्स्ट पहले मैं अप्लाई कर लूंगी लिप लाइनर, और लिप लाइनर के लिए मैं यहाँ मार्स का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर है, तो इसे मैं अप्लाई कर लूंगी अपने, पहले ना इससे मैं अपने लिप्स को अंडरलाइन कर लूंगी। फ्रेंड्स लिप लाइनर को मैंने अप्लाई कर लिया है, नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का लिपस्टिक इन द शेड 23 ग्लैम। तो इसको मैं अप्लाई कर लूंगी अपने लिप्स पर।
सो फ्रेंड्स, लिपस्टिक को मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज कर लूंगी मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर। इसे मैं अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर लूंगी ताकि जो मेरा मेकअप है वो अच्छे से लॉक हो जाए। सो गाइज, मेकअप फिक्सर को मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं ज्वेलरी वेयर कर लूंगी एंड उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज, दिस इज द फाइनल एंड फिनिश लुक। आई होप आप सबको ये साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight.